Hello, students, welcome back. We are again back with the series of the model test paper, and today we are going to discuss model test paper 4 for class 10 IT402 for term 1 session 2021 22. So, let us start with the first question. The first question says, Which of the following helps communicate effectively? The options are read, write, speak, or all of the above. इनमें से किसकी हेल्प से आप अच्छे से दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर पाते हैं तो अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए हमारी रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग तीनों चीज़ें ठीक होनी चाहिए सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबब क्वेश्चन नंबर टू से कम्युनिकेटर मस्ट सीक डैश टू चेक दैट द मैसेज वॉज क्लियरली अंडरस्टुड कम्युनिकेटर यानी कि जो पर्सन मैसेज भेज रहा है उसे रिप्लाई में क्या चीज़ देनी चाहिए ताकि उसे ये समझ में आ जाए या वो ये चेक कर ले कि मैसेज जो है वो क्लियरली समझा जा चुका है कम्युनिकेशन फीडबैक बैरियर और चैनल तो सेंडर को रिसीवर से क्या लेना चाहिए फीडबैक लेना चाहिए फीडबैक मीन्स जो उसने मैसेज सेंड किया है उसका रिप्लाई ले कि आपको ये चीज़ कैसी लगी आपका ओपिनियन क्या है ओके बैरियर इज एन ऑब्स्टेकल दैट इज़ डिफ़िकल्टी चैनल मैथड होता है और कम्युनिकेशन दैट इज इंट्रैक्शन हो गया इसके लिए आपका आंसर होगा फीडबैक नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री सेज विच ऑफ़ द फॉलोइंग शोज योर एबिलिटी टू पार्टिसिपेट एज अ मेंबर ऑफ टीम अगर आप एक टीम के मेंबर की फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपकी इसमें से कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए इंटरपर्सनल स्किल कम्युनिकेशन स्किल नॉन ऑफ दीज और लैंग्वेज प्रोसेसर सो इंटरपर्सनल स्किल होता है आपस में आप एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया कि बात को समझाना और लैंग्वेज प्रोसेसर तो एक आपका सॉफ्टवेयर होता है जो पर्टिकुलर एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग एज अ मेंबर ऑफ अ टीम उसके लिए आपको दूसरों से इंट्रैक्ट अच्छे से करना आना चाहिए सो फॉर दैट द स्किल रिक्वायर्ड इज इंटरपर्सनल स्किल क्वेश्चन नंबर फोर सेज। सुरेश पार्टिसिपेटेड इन अ हंड्रेड मीटर रेस एंड वन अ प्राइज दिस मोटिवेटेड हिम टू गो फॉर द प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग वॉट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस सुरेश ने हंड्रेड मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया उसे प्राइज़ मिला इससे वो मोटिवेट हुआ और उसने मॉर्निंग में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया तो वो इसलिए प्रैक्टिस कर रहा है कि उसे प्राइज मिलेगा तो ये हमारी किस टाइप की मोटिवेशन है इंटरनल इंटरमीडिएट एक्सटर्नल और नन ऑफ दब सो दिस मोटिवेशन इज द एक्सटर्नल मोटिवेशन देर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन वन इज द इंटरनल एंड वन इज द एक्सटर्नल इंटरनल वो होती है जिसमें हम उन चीज़ों को खुद करते हैं क्योंकि या तो हमारा इंटरेस्ट होता है या हम उसको बहुत अच्छे से करना चाहते हैं और एक्सटर्नल होती है कि हम किसी रिवॉर्ड या प्राइज के हम उसे मतलब हमें प्राइज़ या कोई ना कोई अवार्ड चाहिए इसलिए हम उस चीज़ को कर रहे हैं वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर थिंग सो दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल मोटिवेशन क्वेश्चन नंबर फाइव अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज टू कंट्रोल मशीनरी साइंटिफिक इंस्ट्रोमेंट लाइक रोबोट्स कॉम्प्लेक्स एनीमेशनस एंड कम्प्यूटर कंट्रोल ऑटोमेट मशीन्स कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से आप मशीनरी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स या रोबोट्स वग़ैरह या कंप्यूटर कंट्रोल मशीन्स को कंट्रोल कर पाते हैं मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग डिस्ट्रीब्यूटेड या रियल टाइम तो जब भी बात एक पर्टिकुलर टाइम से रिलेटेड आती है जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जो एम्बेडेड मशीन्स होती हैं ठीक है तो यहाँ पे क्या है मशीनरी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और रोबोट्स वगैरह से रिलेटेड बात हो रही है तो इनके लिए हमेशा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर उस काम को करता है राइट नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर सिक्स डैश इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स विंडोज मैक ओ और आईओ फ्री एंड ओपन सोर्स मीन्स जिसे आप पर्टिकुलर वेबसाइट से डाउनलोड इंस्टॉल एंड डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग तो लाइन जो है दैट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आंसर विल बी लाइन एक्स जो है स्टूडेंट्स विंडोज हमारा पेड होता है उसके लिए आपको पे करना पड़ता है मैक और आईओ भी पेड होते हैं यह आपके कंप्यूटर के लिए एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है और आईओ आपके एप्पल के फोन्स के लिए आई के लिए ठीक है सो विद दिस वी हैव विद्प्लीटेड द सेक्शन ए अब हम आते हैं सेक्शन नंबर बी पे सेक्शन बी में आपका है आंसर एनी फिफ्टीन क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन ट्वेंटी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन से इस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस में इंक्रीज द साइज ऑफ द इमेज इनमें से कौन सा एक्शन आपके इमेज के साइज को इंक्रीज कर देता है टेक्स्ट रैपिंग क्रॉपिंग एडिटिंग और रिसाइजिंग टेक्स्ट रैपिंग तो ये होता है कि हम टेक्स्ट को रैप कर रहे हैं इमेज के अराउंड या फिर हम अगर हम कैल की बात करें तो टेक्स्ट को सेल के अंदर फिट कर रहे हैं क्रॉप हो गया कट करना एडिट हो गया चेंजेस करना तो जब हम इमेज की बात कर रहे हैं उसके साइज को हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो उसके लिए हम करते हैं रीसाइजिंग इमेज के अराउंड इस तरह से जब आप सेलेक्ट करते हैं तो हैंडल्स आते हैं जब आप हैंडल्स को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करेंगे तो दैट प्रोसेस इज नोन एज री साइजिंग क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट सेज ईच एंट्री इन द टेबल ऑफ कंटेंट्स इज अ डैश टू द टॉपिक जो हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं यानी कि जो इंडेक्स बनाते हैं उसमें जो हर एक एंट्री होती है यानी कि हेडिंग के आगे आपने पेज नंबर लिखा है तो वो उस टॉपिक के लिए क्या चीज होती है एक्सटर्नल हाइपर लिंक इंटरनल हाइपर लिंक रेफरेंस या डेटा सोर्स एक्सटर्नल हाइपर लिंक तो होता है कि आप उस पेज में काम कर रहे हैं और उस पे क्लिक करने पे आप किसी दूसरी शीट पे पहुंच रहे हैं और इंटरनल हाइपर लिंक हो गया कि उस लिंक को क्लिक करने पे आप उसी शीट में या उसी डॉक्यूमेंट में किसी दूसरे पेज पे जा रहे हैं या सेक्शन पे जा रहे हैं तो जैसे मान लीजिए ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में मैंने ऊपर यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया है किसी पे भी अगर मैं किसी को भी हेडिंग को हाइपर लिंक बनाती हूँ तो क्लिक करने पे वो उसी पेज पे नीचे पहुंचेगा तो वो हुआ हमारा इंटरनल हाइपर लिंक ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द ऑफिस सूट जो आपका ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर होता है उसके डिफरेंट सब सॉफ्टवेयर होते हैं तो इनमें से कौन सा आपका ऑफिस सूट का पार्ट नहीं है राइटर इम्प्रेस इंटरनेट एक्सप्लोरर और बेस तो राइटर इज लाइक एम एस वर्ड इम्प्रेस इज लाइक जहां पे आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका वेब ब्राउजर है ठीक है और बेस आपका सॉफ्टवेयर है जिसमें आपके डेटा बनते हैं तो ऑफिस का जो पार्ट नहीं है ओपन ऑफिस का दैट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर क्योंकि ये अलग हो गया इट इज अ वेब ब्राउजर राइट क्वेश्चन नंबर टेन इज द लेबल्स हाइट एंड विथ आर रेफर टू एज विच ऑफ द फॉलोइंग किसी भी लेबल की हाइट और विथ हाइट और विथ लेबल की उसमें क्या होगी जो आप मेल मर्ज करते हैं उसमें हम लेबल्स भी बना सकते हैं जैसे हम जिसको सेंड कर रहे हैं उसका नाम आ गया और उसका कुछ एड्रेस वगैरह अगर हमने ऊपर देना हो अलग से तो दैट इज अ लेबल उसकी हाइट और विथ को हम क्या कहेंगे वर्टिकल पिच हॉरिजोंटल पिच बोथ ए एंड बी और पेज साइज सो द आंसर विल बी बोथ ए एंड बी क्योंकि जो लेबल होगा हमारा उसमें दोनों चीजें रहेंगी उसमें वर्टिकल भी रहेगा और आपका हॉरिजोंटल भी रहेगा लाइक दिस नेक्स्ट वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द द द सिंबल ऑफ नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स ऑन स्टैंडर्ड टूल बार स्टैंडर्ड टूल बार पे जो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स सिंबल ऑफ द नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर के लिए इनमें से कौन सा सिंबल होता है दीज आर द डिफरेंट सिंबल्स गिवन टू यू हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें हमारा कौन सा सिंबल रहता है इस तरह से है हेलो हाउ आर यू ठीक है अब मुझे मान लीजिए इसमें देखना है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को तो हम यहाँ से जाएंगे व्यू में और व्यू में से आप जाएंगे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स कंट्रोल प्लस एफ टेन ये आप सिंबल देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपोजिट पी का साइन है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके साइन आ जाते हैं तो ये वाला जो आपका साइन है स्टैंडर्ड टूल बार में ये आपके नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स का होता है दोबारा क्लिक करेंगे तो हट जाता है इफेक्ट और टॉगल बटन है ये इस पर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो जो जितने भी नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हैं वो आपको डिस्प्ले करके दिखा देगा ठीक है तो इसका सिंबल कौन सा हुआ हमारा द सी ऑप्शन राइट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग एनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर्स टू डिफरेंट पर्सन अगर हमें सेम लेटर बहुत सारे डिफरेंट पर्सन को सेंड करना हो तो हम किस चीज की हेल्प से कर सकते हैं राइटर टैंपलेट मेल मर्ज नन ऑफ द अब तो इफ द सेम लेटर इज सेंड टू विद डिफरेंट पर्सन ओनली द एड्रेस लिस्ट नीड्स टू बी चेंज एट ओनली वंस बाकी उसके अंदर कॉम्बिनेशन मेल मर्ज की हेल्प से हो जाता है सो द करेक्ट आंसर इज मेल मच नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द ग्राफिक फिल्टर इनमें से कौन सा आपका ग्राफिक फिल्टर का कॉम्पोनेंट नहीं है ग्राफिक फिल्टर मीन्स जो इमेज के फिल्टर्स आते हैं इनमें से कौन सा ऐसा फिल्टर है जो इमेज के फिल्टर में ऑप्शन में नहीं होता तो यहाँ देखिए यह आपका ओपन ऑफिस है इसके लिए हमें यहाँ पर एक इमेज को इंसर्ट करना पड़ेगा इंसर्ट यहाँ से जाते हैं हम इमेज दैट इज पिक्चर और यहाँ से लेते हैं फ्रॉम फाइव लाइक दिस वी हैव एन इमेज यहाँ पे देखिए ये जो आपके फिल्टर्स हैं इस पर क्लिक करिए यहाँ पे आपके पास इन्वर्ट है स्मूथ शार्पन रिमूव नॉइस पॉप आर्ट पोस्चराइज एजिंग चारकोल स्केच रिलीफ एंड मोजैक ये ऑप्शन हैं आपके पास तो इनमें देखिए कौन 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 सा ऐसा है जो हमारे पास नहीं है इन्वर्ट स्मूथ शार्पन और रैपिंग तो ये तीनों अभी हमने देखे रैपिंग ऑप्शन इज़ नॉट देयर सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज यूजिंग द मेल मर्च विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटाबेस इन डेटाबेस विजर्ड जब आप मेल मर्च को यूज करते हैं तो इनमें से कौन सा आपका ऐसा है जो वैलिड डेटाबेस का टाइप नहीं है माई एसक्यूएल स्प्रेडशीट ड्राइंग और ओडीबीसी डेटाबेस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए माई एस के अंदर आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज होती है जिसमें टेबल्स बन जाते हैं तो उसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं स्प्रेडशीट में भी आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं फिर है ड्राॅइंग और एक है ओडी बी ओ डी बी है और एक्ल डेटा बेस कनेक्टिविटी ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटा hmm. बन जाते हैं लेकिन ड्राॅइंग जो है उसके अंदर हम डेटा नहीं बना सकते डेटा को स्टोर नहीं कर सकते सो द करेक्ट आंसर विल बी ड्रॉइंग नेक्स्ट इज टू अनग्रुप और ब्रेक अपार्ट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट द ग्रुप एंड देन गो टू फॉर्मेट ग्रुप एंड डैश ऑन द मेन्यू बार अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अनग्रुप करना है इंडिविजुअल लेके आना है तो आपको उस ग्रुप को सेलेक्ट करना है फिर आपने फॉर्मेट मेन्यू में जाना है वहाँ से ग्रुप ऑप्शन पे जाना है और वहां से किसको करेंगे देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए अनग्रुप करना है यानी कि बहुत सारी इमेजेस अगर कंबाइंड फॉर्म में एक साथ हैं तो उसे अलग अलग करना है तो उसके लिए ऑफ कोर्स हमारा ऑप्शन क्या होगा अनग्रुप अगर सबको एक साथ ज्वाइन करना होता है ज्वाइन इन द सेंस कि एक को मूव करें तो सारी मूव करें तो उसके लिए हमारा ऑप्शन होता है ग्रुप यहाँ पे देखिए ये आपके पास है इसमें फॉर्मेट होता है फॉर्मेट में आपका यहाँ पे ऑप्शन होता है ग्रुप का ठीक है अभी हमारे पास एक ही इमेज है इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा बहुत सारी इमेजेस होंगी तो ग्रुप ऑप्शन भी होगा और ग्रुप जब आप कर देंगे तब अनग्रुप ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाता है तो इसके लिए क्योंकि आपको अनग्रुप करना है या ब्रेक करना है तो करेक्ट ऑप्शन विल बी अनग्रुप क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन डैश अलाउज यू टू गैदर द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट वर्कशीट इन टू अ मास्टर वर्कशीट अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट शीट से डेटा एक मास्टर वर्कशीट में लेके आना है तो किस फीचर से करते हैं आप डेटा कॉन्सोलिडेशन गोल सीक सोल्वर या टोटल डेटा तो ये हमने पढ़ा था ओपन ऑफिस कैल्क में दैट इज डेटा कॉन्सोलिडेशन इस वीडियो की आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी यूनिट्स के टर्म वन के आपके पार्ट्स की और पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है आपका आप वहां से जाके प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से देख सकते हैं ठीक है सो दैट इज नोन एज डेटा कॉन्सोलिडेशन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इज वी कैन कॉन्सोलीट द डेटा इन ओपन ऑफिस कैल्क बाय हम ओपन ऑफिस कैल्क में डेटा को कॉन्सोलीडेट किस किस तरीके से कर सकते हैं रो लेबल कॉलम लेबल बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव तो इसका ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स दोनों तरीके से कर सकते हैं रो लेबल से भी कर सकते हैं और कॉलम लेबल से भी यहाँ देखिए यहाँ पे डेटा मेन्यू में आपके पास ऑप्शन होता है कॉन्सोलीडेट का जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ से फंक्शन चूज करना होता है ठीक है इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज सोर्स डेटा रेंज कॉपी रिजल्ट कहाँ करने हैं मोर पे जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन होते हैं रो लेबल और कॉलम लेबल रो लेबल और कॉलम लेबल एग्जैक्टली हमारे क्या होते हैं जो हेडिंग्स होती हैं रोज और कॉलम्स की एक हम पहले से बनी हुई जो हमारी वर्कबुक है उसे ओपन कर लेते हैं एंड लेटस्ट चेक इन दैट वन यहाँ पे देखिए ये जो आपका डेटा है इसमें रो लेबल्स भी हैं और आपके कॉलम लेबल्स भी हैं तो इस डेटा के अंदर जो आपकी हेडिंग्स हैं नेम इंग्लिश हिंदी एंड साइंस ये आपके हो गए कॉलम लेबल्स और आना रवि एंड रिया ये आपके हो गए रो लेबल्स तो जब आप कॉन्सोलिडेशन करते हैं तो दूसरी शीट में भी यही रो और कॉलम लेबल होने चाहिए तो अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो आप रो और कॉलम लेबल पे टिक कर देते हैं अदरवाइज आप उन पर क्या कर देते हैं अनटिक कर देते हैं यहाँ पे आपका है डेटा इसमें आप गए कॉन्सोलीडेट ऑप्शन पे और कॉन्सोलीडेट में से मोर में जाएंगे तो रो और कॉलम लेबल को टिक करेंगे तो वो इन दोनों को लेता है तो दो तरीके से हम कर सकते हैं रो लेबल एंड कॉलम लेबल राइट क्वेश्चन नंबर एटीन इज इन विच ऑप्शन वी हैव टू स्पेसिफाई द टारगेट रेंज दैट इज़ वेयर वी वॉन्ट द रिजल्ट टू बी डिस्प्लेड कौन से ऑप्शन में आपको टारगेट रेंज को स्पेसिफाई करना होता है दैट इज़ वो वाली रेंज जहाँ पे आप अपने रिजल्ट को डलवाना चाहते हैं या डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो ये चीज़ स्टूडेंट्स हमारी होती है कॉन्सोलीडेट ऑप्शन में जहाँ पे हमारे पास दो बॉक्सेस होते हैं एक होता है सोर्स डेटा रेंज और एक होता है कॉपी रिजल्ट टू तो हम चेक करते हैं कि टारगेट रेंज हमारी किस में जाती है वी विल गो टू द ओपन ऑफिस दिस इज द ओपन ऑफिस कैल्क और अगर आप डेटा मेन्यू में जाके कॉन्सोलिडेट ऑप्शन के ऊपर जाते हैं यू विल गेट दिस डायलॉग बॉक्स ठीक है तो सोर्स डेटा रेंज के अंदर आप उस रेंज को सिलेक्ट करते हैं जहाँ से आपको डेटा को सिलेक्ट मतलब लेना है आपको डेटा को ठीक है और कॉपी रिजल्ट टू का मतलब है कि सारा डेटा लेने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट जिस शीट में चाहिए या जिस पर्टिकुलर सेल एड्रेस में चाहिए आप उसको शीट को और उस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करते हैं ठीक है तो उसने हमसे क्या पूछा है कि जो हमारा टारगेट रेंज है यानी कि जहां पे रिजल्ट जाना है वो कौन से बॉक्स में होगा कौन से ऑप्शन में होगा तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा कॉपी रिजल्ट ऑप्शन है कॉपी रिजल्ट टू दिस इज द नेम राइट नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर नाइनटीन कॉन्सोलिडेट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश मेन्यू जस्ट नाउ वी और डेटा तो यहाँ पे देखिए अभी जो हमने कॉन्सोलीट ऑप्शन लिया था वी हैव टेकन इट फ्रॉम द डेटा मेन्यू डेटा में जाके आपका ऑप्शन है कॉन्सोलीट इसी में आपका डिफाइन रेंज ऑप्शन होता है इसी में आपका सब टोटल होता है तो डिफाइन रेंज और आपका ये सॉर्ट और आपका ये मल्टीपल ऑपरेशन एंड देन यू कॉन्सोलीट ऑल दीज आर इन द डेटा मेन्यू राइट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अवेलेबल इन द कॉन्सोलिडेट विंडो जस्ट नाउ वी विंडो, तो इसमें कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल द कॉन्सोलिडेट डायलॉग बॉक्स वी हैव हियर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, एंड उसने हमसे पूछा मैक्स मिन एंड देन वी हैव काउंट तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं सम है काउंट है मैक्स भी है मिन भी है ये सारे हमारे पास अवेलेबल है सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच ऑप्शन इज यूज टू नेम अ रेंज ऑफ सेल्स अगर आप सेल्स की किसी रेंज को एक नाम देना चाहते हैं तो कौन से ऑप्शन से देंगे रेंज नेम सेल रेंज डिफाइंड रेंज और सेलेक्ट रेंज जस्ट नाउ वी हैव सीन दैट डिफाइन ऑप्शन डिफाइंड रेंज ऑप्शन इज देयर इन द डेटा मैन्यू ये आपका डिफाइंड रेंज है आप अगर कोई भी रेंज लेते हैं जैसे हम ए टू से लेके मान लीजिए सी एट तक ले रहे हैं तो इस रेंज को हम कोई नाम दे सकते हैं डेटा में जाके डिफाइन रेंज और इसका नाम आपने दे दिया सपोज ए बी सी रेंज आ रही है शीट वन में ए टू से लेके सी एट तक तो ये आपकी जो रेंज है इसका नाम हो गया ए बी सी सो दिस इज द नेम ऑफ द रेंज आफ्टर दिस सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डिफाइंड रेंज नेक्स्ट वी हैव इज सिन आर अ टूल टू टेस्ट डैश क्वेश्चन सीनैरियो की हेल्प से हम कैसे क्वेश्चन को टेस्ट कर पाते हैं इफ एल्स वॉट एल्स इफ इफ और तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स वॉट इफ क्वेश्चन सीनैरियोज बेसिकली क्या होते हैं हमारे पास इनपुट होता है हम वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इनपुट की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट कौन कौन से आएंगे तो वॉट वुड बी द आउटपुट इफ दिस इज द इनपुट तो डिफरेंट इनपुट हो सकते हैं उसके बेसिस पर डिफरेंट आउटपुट होंगे दैट इज वाई द आंसर विल बी वॉट इफ क्वेश्चन राइट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री डैश डेटा बेस इज अ टाइप ऑफ डेटा बेस दैट स्टोर्स द डेटा इन द सेवरल टेबल्स कौन सा डेटा बेस ऐसा डेटा बेस होता है जो डेटा को बहुत सारी टेबल्स में स्टोर करता है फ्लैट रिलेशनल बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव तो स्टूडेंट्स जो फ्लैट फाइल डेटा बेस होता है उसमें ए की टेबल होती है और जो रिलेशनल डेटा बेस होता है उसमें बहुत सारी टेबल्स होती हैं सो द आंसर विल बी बी रिलेशनल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर डैश डेटा टाइप टेक्स द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जो जो आपका जीरो और वन की फॉर्म में डेटा को लेता है इंटीजर टेक्स्ट बुलीन और कैर इंटीजर इज फॉर द होल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव टेक्स्ट इज फॉर द करेक्टर्स बुलीन इज बेसिकली फॉर द नंबर जीरो एंड वन ये जो बुलीन डेटा टाइप होता है ये आपका रिप्रेजेंट करता है दो डिजिट्स को दैट इज जीरो एंड वन और क्या कैर आपका आगे इन किस चीज़ के लिए हुआ टेक्सट टाइप के डेटा के लिए सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट इज सब टोटल्स इज अवेलेबल इन डैश मेन्यू सब टोटल्स ऑप्शन आपका कौन से मेन्यू में है तो वी हैव सीन दिस थिंग जो आपका डेटा मेन्यू है इसमें आपका सब टोटल्स ऑप्शन यहाँ पे रहता है ठीक है तो सब टोटल्स करने के लिए आप इसमें तीन मैक्सिमम ग्रुप बना सकते हैं और पर्टिकुलर किसी भी कॉलम से ग्रुपिंग कर सकते हैं करेक्ट आंसर हेअर इज डेटा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इफ़ यू सेलेक्ट डैश देन एनी वैल्यूज मॉडिफाइड इन द सोर्स रेंज आर ऑटोमेटिकली अपडेटेड इन द टारगेट रेंज किस चीज़ को सेलेक्ट करने पे जो भी आप वैल्यूज सोर्स रेंज में चेंज करते हैं वो आपके टारगेट रेंज में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती हैं लिंक टू सोर्स डेटा लिंक टू शीट डेटा लिंक टू ओरिजिनल डेटा और लिंक टू सोर्स रेंज विल गो टू द ओपन ऑफिस कैल्प फॉर दिस पर्पज डेटा मेन्यू ट ऑप्शन ऑप्शन लिंक टू सोर्स डेटा तो लिंक करने से क्या होता है अगर आप ऑरिजिनल में कोई चेंजेस करते हैं तो जहां आप उसे लेके जा रहे हैं टारगेट शीट में वहां पर भी उसके चेंजेस रिफ्लेक्ट किए जाते हैं सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी लिंक टू सोर्स डेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन नंबर सी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन टू बी आंसर्ड फाइव आउट ऑफ सिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन से इस शंकर हैज़ अ मल्टी पेज डॉक्यूमेंट विद हेडिंग्स सब हैडिंग्स एंड सब टॉपिक्स ही वॉन्ट्स टू अप्लाई फॉर्मल फॉर्मेटिंग टू द डॉक्यूमेंट इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सूटेड अप्रोच फॉर हिम बहुत सारे पेजेस का डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें हेडिंग्स हैं उसमें सब हैडिंग्स हैं और उनके अंदर सब टॉपिक्स हैं तो उसे थोड़ी सी फॉर्मल एक फॉर्मेटिंग उस पर लगानी है कि हेडिंग्स जो हैं वो थोड़े बड़े साइज में और बड़े फूंट में आ जाए इसी तरह से इसके नीचे जो है वो तो उससे छोटे एंड देन लास्ट वाले उससे छोटे फोन में आ जाए तो उसके लिए वो क्या कर सकता है हमें पता है कि अगर हमें इस तरह के सैम्पल्स बनाने हो तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है ऑप्शन है हमारे फॉर्मेट पेंटर थीम्स टैंपलेट और फॉर्मेटिंग टूल बार सो द करेक्ट आंसर इज टैंपलेट इसके लिए हम टैंपलेट्स बना सकते हैं यहाँ पे जाएंगे ओपन ऑफिस राइटर में फाइल में जाएंगे यहाँ पे पहले अपनी हेडिंग सब हेडिंग और टॉपिक को लिखेंगे जो भी हम उसे देना चाहते हैं कलर या पेज का कलर या फिर आपका जो कल साइज है या जो आपका फोनट है जो भी आप देना चाहते हैं उसको दे के फाइल में जाके टेम्पलेट्स में जाके आप उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट अंजू कैरेक्टर्स ऑन द कीबोर्ड सो टू टाइप इन अ डॉक्यूमेंट विच फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम शुड हेल्प हर अंजू जो है उसको कीबोर्ड पे कुछ कैरेक्टर्स टाइप करने हैं लेकिन वो उसको कीबोर्ड पे कीबोर्ड से करनी है बट कीबोर्ड पे वो कैरेक्टर्स मिल नहीं रहे हैं तो वर्ड प्रोसेसर की कौन सी फीचर से शी कैन गेट हेल्प शेप्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स शेप्स एंड सिम्बल्स सिम्बल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स और वर्ड आर्ट लेटर ओपन ऑफिस राइटर में जाते हैं और यहाँ पे देखिए इंसर्ट में हमारे पास मेन्यू में ऑप्शन है स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर जो आपका डायलॉग बॉक्स है इसमें देखिए बहुत सारे इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, लेटर्स भी हैं और कुछ ऑपरेटर्स भी हैं सिंबल्स भी हैं तो आप उसमें इस तरह से इन्हें यूज कर सकते हैं जो भी आप सिलेक्ट करोगे दैट जस्ट क्लिक ऑन ओके दैट विल गेट इंसर्टेड इन योर डॉक्यूमेंट राइट सो द करेक्ट आंसर हेयर विल बी सिम्बल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी

और फिर डेटा को सेलेक्ट करो तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा तो करेक्ट सीक्वेंस हमारी रहे, यही रहेगी कि पहले हम डेटा को सेलेक्ट करें और फिर हम अपने सब टोटल्स विंडो पे मूव ऑन करें जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमारा कोई डेटा होता अभी नहीं है लेकिन अगर होता तो हम उसे सेलेक्ट करते फिर यहाँ से डेटा में जाते और फिर यहाँ से हम सब टोटल्स में जाते ठीक है अब सेलेक्टेड है इसके अकॉर्डिंग ही ये सब टोटल दिखाएगा ना कि कौन कौन से आपको कॉलम पर अप्लाई करना है अगर सेलेक्टेड ही नहीं होगा तो आपको कैसे पता लगेगा ओके

तो इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा ऑप्शन है सिनेरियो सब टोटल कॉन्सोलीट एंड नन ऑफ द अबब सो द आंसर हेयर विल बी सिनारियो सब टोटल इज यूज फॉर ग्रुपिंग कॉन्सोलीट इज़ यूज फॉर टेकिंग द ऑल डिफरेंट शीट्स डेटा इन टू द मास्टर वर्कशीट नेक्स्ट इज विच वन इज़ नॉट अ डी एम एल टाइप ऑफ कमांड डी एम एल स्टैंड फॉर डेटा मैन्यूपुलेशन लैंग्वेज तो ऐसी कमांड जिससे डेटा में मैन्यूपलेसन हो डेटा में चेंज हो सके इनमें से कौन सी नहीं है इंसर्ट इन टू सेलेक्ट अपडेट और ऑल्टर टेबल इंसर्ट से आप रोज को इंसर्ट कर सकते हैं सेलेक्ट से आप टेबल को डिस्प्ले करा के दिखा सकते हैं अपडेट से आप इसमें मॉडिफिकेशन करा सकते हैं ऑल्टर टेबल ये डी एम एल के अंटर नहीं आती ये आपकी डी डी एल में आती है ठीक है ऑल दो इससे हम कॉलम्स को एड करवा सकते हैं लेकिन ये कमांड डी डी एल कैटेगरी में आती है सो दिस विलविदा करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ यू हैव टू स्प्रेड शीट्स इन द सेम फोल्डर लिंक टू ईच अदर एंड यू मूव द एंटायर फोल्डर टू अव लोकेशन सो विल रिलेटिव हाईपर लिंक वर्क सपोज दिस इज़ माई फोल्डर और इसके अंदर मेरी दो फाइल्स हैं वो दोनों फाइल्स आपस में लिंक्ड हैं अगर मैं इस पूरे फोल्डर को यहाँ से हटा के किसी दूसरे प्लेस पर लेके आऊँ तो क्या उनके फाइल्स के बीच का जो लिंक है वो ब्रेक होगा नो द लिंक विल नाट ब्रेक वो काम करेगा तो इट विल से द आंसर इज इट विल वर्क लेकिन अगर आप इसमें ऐसे करते कि फोल्डर की जो दो फाइल्स हैं उनको वहां से हटा के और दोनों फाइल्स को अलग अलग कर देते फोल्डर में से हटा देते एक फोल्डर में रहती एक बिना फोल्डर के रहती तो उस केस में इसका आंसर क्या होता इट विल नॉट वर्क ठीक है अभी सिर्फ फोल्डर को मूव किया गया दैट इज वाई विल बी इट विल वर्क नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री लास्ट क्वेश्चन हाउ विल यू रेफर टू अ अ अ इन इन सेल्स विमुलाम्ड एस वन वी ऑल नो दैट एवरी फार्मूला स्टार्ट इक्वल टू साइन सो ए बी या सी में से हमारा आंसर होगा सबसे पहले हमारे शीट का नेम आता है फिर हमारी जो सेल एड्रेस होता है वो आता है तो यहाँ पे तीनों में वो चीजें हैं लेकिन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक पर्टिकुलर सिंबल होना चाहिए तो उसमें होता है डॉट तो एस वन डॉट ए थ्री एस वन डॉट ए थ्री दोनों सिमिलर से हैं लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ ए थ्री में कोट्स हैं और यहाँ एस वन में हैं हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं सपोज़ यहाँ पे मेरे पास शीट टू के अंदर यहाँ पे डेटा है नाइनटी ठीक है हमने इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया सो दैट इट इज़ क्लियरली विजिबल नाइन गो टू शीट टू सेलेक्ट दिस वन एंड क्लिक ऑन शीट वन अपने आप आ गया शीट टू डॉट ए वन तो ये तो चीज़ ठीक है लेकिन उसमें कोट्स लगाई हुई हैं तो एक बार हम इस पर कोट्स लगा के देखते हैं क्या इससे कुछ चेंज आता है एंड देन वी विल प्रेस द एंटर की जब भी आपके सेल के अंदर पूरा डेटा अकोमोडेट नहीं हो पाता तो इस तरह का एरर आ जाता है इसके लिए आपको यहाँ से डबल क्लिक करना होता है ताकि वो उसमें आ जाए तो नाइन्टी आ गया अब हम इसके अंदर थोड़े से चेंजेस कर देते हैं हम यहाँ पे कोड्स लगा देते हैं तो देखते हैं इससे भी ठीक आता है इससे आपका एरर फाइव ज़ीरो नाइन आ रहा है ठीक है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप इसके अंदर काम करेंगे तो जो भी आप इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे उसमें कोट्स नहीं आएंगी शीट में कोट्स आ सकती हैं ठीक है सो दिस अकॉर्डिंगली इट विल गिव अस द आंसर एज नाइंटी सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ़ दिस सैम्पल पेपर आई होप स्टूडेंट्स आप सैम्पल पेपर्स को अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं जितना ज़्यादा आप अच्छे से रिवाइज करेंगे यू विल गेट टू नो मोर एंड मोर अबाउट दीज थिंग्स सो आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद द अनदर सैम्पल पेपर टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू सो मच